हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज हम लोग उठ गए थे 6 बजे, उसके बाद हम फटाफट रेडी हुए और फिर हमारा फिजिकल था, तो यहाँ से पूरा घूमते हुए मतलब रनिंग करते हुए गए थे, फिर ऊपर से आए थे। और ये है मेरे साथ पूनम पिथौरागढ़ से, और उसको तो आप जानते हो। हेलो गाइस, तो कैसा लगा आपको फर्स्ट डे? बहुत अच्छा, मुझे घर जाने का मन नहीं करता, एग्जॉस्टेड लेकिन मुझे जाना पड़ेगा। अभी पहला दिन है, पहला दिन है लेकिन मुझे जाना, पर कोई नहीं, अभी हमारे पास 6 दिन और हैं, पूरी मस्ती करेंगे। और अभी हमें 8:30 बजे ब्रेकफास्ट के लिए निकलना है, तो मैं फटाफट नहा लेती हूँ वरना फिर डांट पड़ेगी। नहाने का प्लान कैंसिल हो गया है क्योंकि बाहर बेल बज चुकी है, और अब हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने, उसके बाद आके नहाएंगे। गीजर ऑफ कर दिया था, पानी की बॉटल ले जा रहा है। फाइनली हमारा ब्रेकफास्ट आ चुका है। तो अभी मैं ब्रेकफास्ट करके आ चुकी हूँ और अब मैं जाती हूँ नहाने, क्योंकि अभी बज रहे हैं 8:44 टाइम हो रहा है और हमें 9:20 पे ऑडिटोरियम पहुँचना है, तो अभी मैं फटाफट नहा लेती हूँ। तो अभी मैंने नहा लिया है और सब लोग जा चुके हैं, मैं लेट हो चुकी हूँ, तो मैं भी जा रही हूँ, ऑडिटोरियम जाना है। अभी हम लोग पहुँच चुके हैं ऑडिटोरियम और मैं सबसे ज़्यादा लेट हो गई थी, ये सब पहले आ गए थे। ए पूनम, इतनी ठंड में भी इस लड़की ने नहा रखा है। पूनम पूनम पूनम, ब्लॉग बन रहा है, ये मैं हूँ, मेरे फ्रेंड्स हैं, और ये नीचे पूरा पूरी हमारी टीम है। तो अभी हम लोग का कैंपस टूर चल रहा है और अभी हम लोग आए हैं क्लाइंबिंग के लिए। खाया मैं क्लाइंब कर रही थी, देखा आप उस दिन क्लाइंबिंग कर रहे हैं, चीजें सीखने वाले हैं, एंड शी इज वेरी गुड। थैंक यू। अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं? ये कौन सा व्हीकल बताया था? एटीवी बोलते हैं, ये है एटीवी व्हीकल जो अभी केदारनाथ में भी गया था। ठीक हो आप? हो गई थी हमारा। हम लोग पहुंच चुके हैं भागीरथी और ये है निमका गेस्ट हाउस। यहाँ पे भी डॉर्मेट्री है, रूम से, ठीक है। आपके लेफ्ट में जब आप आए थे इस तरफ से बस से, तो आपने किस तरफ दिखे होंगे, यहाँ पे कुछ क्वार्टर थे, स्टाफ क्वार्टर है, राइट में भी स्टाफ क्वार्टर, और ये म्यूजियम है जो अभी अभी बना है। ये आपका म्यूजियम स्टार्ट होता है लेफ्ट साइड में, दिख रहा है आप? यस यस सर। आपका यहाँ से स्टार्ट होता है म्यूजियम, इसके अंदर अंदर और वहाँ तक। हाँ बहुत सुंदर बना है, इसलिए मतलब कि हम लोगों का कल्चर का जो हम लोग का वो है ना, कि हम पहाड़ों वालों का घर नहीं होता, खिड़कियों में जो बालकनी में लगी होती हैं वो सब हमारे इस पर यूज़ कर रहे हैं, हमारे आर्ट आर्ट को यूज़ करें। तो अब मुझे फूड का तो अब हमें फ़ोन बंद करना पड़ेगा क्योंकि इसका इनोग्रेशन नहीं हुआ है, तो अंदर जाके वीडियो नहीं बना सकते। नेपाल में आपने पशुपतिनाथ मंदिर देखा है? यस सर, नहीं देखा था, देखा नहीं। नेवारी स्टाइल है, ठीक है, यूं करके एक ब्लॉक ऊपर करके फिर दूसरा यूं ब्लॉक, तो नेवारी स्टाइल होता है, ठीक है। अगर आप लोग पढ़ना कभी व्हाट इज नेवारी स्टाइल, तो आप लोग जान सुनेंगे। अभी ध्यान दीजिए, देंगे की देखा है आप लकड़ी पे कितना काम हुआ है, सब हम पहाड़ से ही है तो हमारे गाँव में हम देखने को मिलता ही है, हाँ ये उनको बताने में मजा आता है जो पहाड़ से, ठीक है। बट आप लोगों को तो अभी हम लोग वापस
अपने रूम पे आ चुके हैं। अभी क्लास चल रही थी हमारी, पूरा कैंपस टूर किया और फिर उसके बाद इक्विपमेंट जो जो होते हैं तो उसके बारे में हमको बताया। और अभी हमारा लंच टाइम हो गया है तो थोड़ी देर के लिए बस रूम पे आए थे, अब जा रहे हैं लंच करने के लिए। जा चुका है और वहाँ सभी लोग लंच कर रहे हैं। तो हम लोग लंच करके आ गए हैं और अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं पता नहीं। अभी बज रहे हैं 2:13 और हमें यहाँ पे बिल्कुल भी टाइम नहीं हो रहा रेस्ट करने का। मतलब लंच करके सीधा आए थे, बस 2 मिनट में बैठी होंगी, व्लॉग एडिट करने का भी टाइम नहीं है मुझे, तो मैं आजकल लेट हो जाऊँगी। व्लॉग शायद मैं रात को अपलोड कर पाऊँगी। और ये है मेरे साथी, जल्दी आओ। ये हमेशा खुश रहते हैं। हाँ वो ज़रूरी है यार खुश रहना। हमें ना यहाँ पे नहाने का भी टाइम नहीं मिल रहा है। जैसे ही ब्रेकफास्ट के बाद टाइम मिला था तो मैंने नहा लिया था और अभी मेरी जो रूमी है अपूर्वा वो नहा रही है और इनसे पूछो। कल रात नहा लिया था मैं भाई, अभी नहीं नहाऊंगी, मैं घर जाके नहाऊंगी और मैं डेली कॉफी पीऊंगी बिकॉज दिन भर यहाँ पे बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटीज होती है, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि हम रात को नहाएंगे। स्मार्ट पहाड़ खुदवा रहे ना तुमसे यार। मैं भी रात को ना आऊंगी। गुड, सच में ताकि बहुत अच्छी नींद आए और मैं जल्दी उठ सकूं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सब गए। बस से आ गए, हमारा यहां सामान डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ट्रैकिंग का। ये हैं हम सभी के बैग्स और ये अभी मैं शूज भी लेके आ चुकी हूं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अपना बैग रूम पे रखने और वापस अभी आना है। हम लोग अपना सामान रख के आ चुके हैं और अब हमें करवाना है मेडिकल, जिसके लिए लाइन लगी है यहाँ पे। तो अभी मैं मेडिकल करा के वापस आ चुकी हूँ, सब कुछ अच्छा था और अब मुझे ये बैग जो मिला है सामान, इसमें चेक करना है कि कुछ ख़राब तो नहीं है। ख़राब होगा तो वो अभी चेंज हो जाएगा और अभी चेक नहीं किया तो हम कल ट्रैक पे चले जाएंगे और फिर वहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते, ख़राब भी होगा तो। सामान भी हम लोगों का चेक हो चुका है, मुझे कुछ चेंज नहीं आ रहा। सामान भी हम लोगों का चेक हो चुका है तो मेरा सब कुछ तो ठीक है, बाकी अपूर्वा का जैकेट चेंज करवाना है और अनीता का भी ठीक है। सामान चेक कर लिया? गुड। तो अभी कैंप में आके तो मेरे नए नए फ्रेंड्स बने हैं और ये है हमारे भाई जी। भाई जी इधर आओ। ये हमारे सुरेन भाई जी, ये हैं रुद्रप्रयाग से मधमहेश्वर। तो ये हाँ कई सारे ट्रैक करवाते हैं, पंच केदार का पूरा पैदल ट्रैक करवाते हैं, तो जिसको भी करना होगा वो इनसे कांटेक्ट कर सकता है। मैं आपका नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और ये हैं अंकित जी, ये हैं केदारनाथ से, केदारनाथ में इनके कैंप वगैरह ना कैंप वगैरह हैं, तो जब भी आप जाएं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मतलब इनके पास जाना। पक्का हेल्प कर देना। हाँ पक्का करेंगे। और मैं इनका नंबर भी वहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दूंगी। अभी हम लोगों का टी ब्रेक चल रहा था और अभी हम लोग चाय पी चुके हैं और अभी इसके बाद शायद एक ग्लास और होगी, हम लोग वापस ऑडिटोरियम जा रहे हैं। मूवी टाइम है पता नहीं, लेक्चर है पहले।
तो अभी हम लोग मूवी देख के आ चुके हैं और अभी मेरे फ़ोन की बैटरी भी डेड होने वाली है, आई थिंक 15 या 13% होगी। तो अभी हम लोग जाएंगे डिनर करने। अभी हमारी डिनर की बेल बज चुकी है तो अभी हम लोग जा रहे हैं डिनर करने और ये सब चले गए मुझे छोड़ के। मैं नहीं बताऊंगी यार, इंजॉय करने में क्या जा रहा है। हाँ, हमारे डिनर में है चिकन और ये मेरे साथ बैठे हैं वेजिटेरियन, साथ हप्सी अपनी प्लेट का खा के अपूर्वा की प्लेट में, और इसकी प्लेट यह है जिसने फिनिश कर दिया है। वीडियो बन रही है देखो दोस्तों, जितना मुझसे हो पाएगा मैं उसके अकॉर्डिंग आप लोगों के बैग्स को कैरी करूँगी। ये चीज़ ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी, चलेगी ना जिसका हम हमसे दोस्ती बन रहेगी समझ लेना हमारा बैग ठीक है। मैं पीछे चलूँगा, तुम कैसे पीछे पॉसिबल नहीं, कोई ना कोई तो आगे चलेगा। क्या हुआ तुम्हें? इसको अभी भी चैन नहीं है थोड़ी देर पहले हमने इसकी सीट यहाँ पे देखी थी और अब ये हमारा टैंकर है तो अभी हम लोग डिनर करके वापस आ चुके हैं और अब हम लोगों को करनी है पैकिंग, क्योंकि कल हम ट्रैक पे जाने वाले हैं और अब व्लॉग थोड़ी सी लेट हो जाएंगे क्योंकि शायद जहाँ पे हम जाएंगे वहाँ पे नेटवर्क आए ना आए, तो फिर वापस नीचे आके अपलोड करूँगी। और ये जो हमारा इक्विपमेंट है, ये बैग्स और मैटर्स और इसके अंदर और भी सारा सामान है जो हमको मिला था वो, और ये कुछ कपड़े हैं क्योंकि हम ऊपर जा रहे हैं और मौसम अभी जनवरी चल रहा है तो बर्फबारी हो सकती है। मौसम भी आज ख़राब था, आज धूप नहीं आई थी तो ऊपर जाके बारिश या बर्फबारी कुछ भी हो सकता है, तो सारी पैकिंग करनी है। ये मेरा बैग है जो मैं घर से लेके आई थी, इसमें सारे कपड़े हैं तो मैं इसमें से जैकेट फ्लीज और स्लीपिंग बैग वगैरह तो मिला ही है तो, और हाँ एक मेरे लेग वार्मर हैं तो वो सब मैं लेके जाऊँगी। और आज हमारे रूम पर एक नई रूमी आई है क्योंकि हमारे रूम पे 3 बेड्स थे तो एक और आई है और इनका नाम है पूर्णिमा। हाय। हाँ, और ये यही उत्तरकाशी से ही है। और अभी हम लोग कर लेते हैं अपने बैग की पैकिंग और उसके बाद जाएंगे हम थोड़ी गप्पे लड़ाने। हमारी पैकिंग हो चुकी है और अभी हम जा रहे हैं गप्पे मारने। हम लोग अपनी पैकिंग करके आ चुके हैं और ये इन सब की पैकिंग चल रही है। करो करो जाने का मन्ना है तो हमने कई सारी गप्पे मारी और यहाँ इनका खुल चुका है स्नैपचैट तो अभी ये स्नैप भेजेंगे, अभी मिलते हैं थोड़ी देर में। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, बाय बाय, गुड नाइट। अभी बज रहे हैं 11:15 हो गया है और सुबह हमें जल्दी उठना है, पर कोई बात नहीं, ये दिन बार बार नहीं आएंगे तो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।